बताइए मुझे, जैसे ही आपका जल तत्व है, जल तत्व में कौन कौन से एट्रीब्यूट बताए मैंने, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, पहले ये बताइए। जल तत्व में कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं शक्ति चक्र में, देखिए। ठीक है, अब यदि मैं ये आपसे ये कह रही हूँ कि NNW में आपके गैस आ गई, आपका जो है क्या आ गया, चूल्हा आ गया, तो क्या होगा, झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाएगा, इतना झगड़ा हो सकता है कि उनका करैक्टर जो है बाहर की साइड जाने लगे। ठीक है, अगर कोई आपकी जो है आपकी सहेली कह सकते हैं, वो आपसे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उनका ध्यान जो है मेरी तरफ है ही नहीं आज के टाइम में, वो जाने कहाँ उनका दिमाग चल रहा है, तो आप 100% आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है NNW में गैस हो। अगर गैस नहीं है, आप उनसे कहोगे कि चूल्हा शिफ्ट किया है, कहोगे कि नहीं तो ऐसा तो नहीं है, मेरी तो गैस वहाँ पर है ही नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हो कि वहाँ पर हो सकता है उन्होंने अपनी ड्रेसिंग टेबल रखी हो उसमें अपना सिंदूर रख रखा हो। बिल्कुल, सिंदूर सबसे बड़ा हनुमान जी का होता है सिंदूर, ध्यान हो तो आपको, उन पे चोला चढ़ता है सिंदूर का, और लेडीज़ के लिए वो मांगलिक रूप में सबसे पहले अपने पति की आयु लंबी करने के लिए हम अपने माथे पे लगाते हैं, उसे मांग भरते हैं, तो एक छोटा सा सिंदूर अपना इतनी बड़ी कलाकारी कर जाता है, तो वो आप चेक करोगे, मतलब कोई भी लाल चीज़ वहाँ पे है 100%। वास्तु का काम सीख रहे हो तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब यदि नॉर्थ में आती है गैस मान लो, तो क्या होगा, तो करेगा? नहीं, पैसे का नहीं करेगा, जॉब में दिक्कत होगी, जॉब में दिक्कत, कौन सा पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, जॉब में दिक्कत होगी, ठीक है ना। और इसके बाद अगला जो है NNE में आया, तो NNE किसका है, हेल्थ का, तो हेल्थ में प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, हो सकता है जो है ये गैस आ रही है, और हेल्थ अधिकतर क्या है, गैस आने से अग्नि पैदा हो रही है, तो जलन, एसिडिटी, ऐसी कोई कंडीशंस होने लगे। और नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो बुद्धि का विकास तो होगा ही नहीं, साथ में कंफ्यूजिंग इतनी हो जाएगी कि आदमी पागलपन तक आ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर चीज़ में गुस्सा। नॉर्थ ईस्ट में गैस आने से आदमी में गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि अग्नि का काम क्या है, भड़काना। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि हमारा जल तत्व है और इसमें अग्नि का काम तो हो गया, अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारा पृथ्वी तत्व आ गया, तो क्या होगा?